पशुओं की रक्षा करने के लिए मुहिम चलाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो एक पशु के कुत्ते की रक्षा करने के लिए आप मुहिम चला रहे हो और बकरी को मुर्गी को हाँ मार करके खा जा रहे हो, ये किस प्रकार का बेटा हुआ? ये हिपोक्रेसी है, इसको क्या कहते हैं? इसको पाखंड कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए बताया गया। सो कह रहे हैं कि सवै पुंसाम परो धर्म अथो भक्ति अथोक्षज, ये मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज है। फिर क्या कहते हैं इसके बाद में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति क्या करना है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, प्रेम से भक्ति के माध्यम से भगवान से लिंक होना, जुटना। भगवान से जुड़ने के बहुत तरीके हैं, राइट? कुछ लोग जो है कर्म के माध्यम से जुटते हैं, जिसको योगा सिस्टम कहा जाता है। कुछ लोग कर्म के माध्यम से जुटते हैं, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से जुटते हैं, कुछ लोग ध्यान के माध्यम से जुटते हैं। पर सर्वश्रेष्ठ जुटान किससे है? भक्ति के माध्यम से। कर्म के माध्यम से हम अपने शरीर को भगवान से जोड़ पाते हैं, राइट? कर्म के माध्यम से हम अपने शरीर को भगवान से जोड़ पाते हैं। बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ पाते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को भगवान से जोड़ पाते हैं। लेकिन हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, हम ये तीनों से परे हैं। आत्मा के स्तर पर ना तो हम शरीर हैं, ना ही मन है, ना ही तो बुद्धि है, राइट? ये तीनों एक्सटर्नल है, मटीरियल है। केवल भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को भगवान से जोड़ पाते हैं, राइट? इसी के लिए इसमें हम लोग इस पे जाएंगे चर्चा करने, तब मैं आपको बताऊंगा चतुश्लोकी भागवत जो दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद में है, राइट? उसमें चार चीज़ें बताई गई हैं, अन्वया व्यतिरेकाभ्यम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। पांच चीज़ें बताई गई हैं। ये एक पैरामीटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट अभिधेय क्या है। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस टू कनेक्ट कृष्णा, भगवान से जुड़ने का जो सर्वश्रेष्ठ तौर तरीका है, माध्यम है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है, ये चार पांच चीज़ों से हम चेक करते हैं। अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। मैं इसको उस समय तब आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत, है ना? और ये पांचों से चेक करके पैरामीटर से अगर हम परफेक्ट गिनेंगे तो इसमें हमको भक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई जो चीज़ है वो परफेक्ट अभिधेय के अंतर्गत नहीं आता। कर्म अभिधेय परफेक्ट विधेय नहीं है, ज्ञान परफेक्ट विधेय नहीं है, ध्यान परफेक्ट विधेय नहीं है। यानी जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ही कैन नेवर रीच परफेक्शन, वो कभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, चाहे कितने भी जन्म बीत जाए। एक दो जन्म की बात नहीं, कितने सैकड़ों हजारों जन्म बीत जाए, जब कर्म भक्ति में कन्वर्ट होगा, जब कर्म भक्ति में कन्वर्ट होगा, योगा लैडर में कर्म जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अगर आप पहले स्टेप पे खड़े हैं तो क्या आप छत पे चढ़ गए? हाँ, भक्ति जो है वो छत पे है, करेक्ट? ज्ञान जो है वो सेकेंड लैडर है, सेकेंड लैडर पर भी खड़ा होकर के हम छत पे नहीं पहुंचे। ध्यान जो है वो थर्ड लैडर है, उस पर भी खड़ा होकर के हम टॉप पे नहीं पहुंचे, केवल भक्ति के लैडर पे आएंगे। तो एक लैडर को अगर हम खड़े हैं, उससे ऊपर वाले लैडर पे चढ़ना है, सीढ़ी पे चढ़ना है, तो हमको नीचे वाली सीढ़ी को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, राइट? और जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, कर्म को छोड़ना पड़ेगा, ध्यान को छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? केवल भक्ति, तब जाकर के हम, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, अधो भक्ति अधोक्ष, ये मनुष्य के लिए। और यही चीज समझाया है इन्होंने
इसके चर्चा में, भागवत के चर्चा में। मैं आपको केवल जिस्ट बता रहा हूँ, हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे, राइट। मैं आपको केवल जिस्ट बता रहा हूँ। तो ये हमें अभी इस रहस्य को टेक होम करना है, अपने गांठ में बांध करके रख लेना है। क्या चीज को? कि केवल भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिर्। कलयुग में दूसरा कोई भी उपाय नहीं। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम अधारा। और जो व्यक्ति भक्ति का सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट स्टेप क्या है? भगवान का नाम जप करना। सेवन मुखो ही जीवा दो स्वयं एव स्फुरत अर्धम। भगवान के बारे में जो उनका राम गुण रूप लीला उनका प्रेम है, वो अपने आप हृदय में है, प्रस्फुटित हो जाता है। कब? नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला। भगवान का नाम जपने मात्र से। इसलिए हर एक व्यक्ति को हर क्षण क्या जपते रहना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस महामंत्र के अलावा इस जगत में दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये दो श्लोक में 2.6 एंड 7 में इसका आंसर देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते वो सोचता है कि भक्ति भावुक लोगों का काम है, हाँ भावुकेर, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती जो बाद में प्रबोधानंद सरस्वती बन गए और महाप्रभु के परम भक्तों में से एक हो गए, प्रबोधानंद सरस्वती। आप लोग वृंदावन गए होंगे, कालिया घाट पे गए होंगे, है ना? कालिया घाट के बगल में ही प्रबोधानंद सरस्वती जी का समाधि मंदिर है। हाँ, पर वो प्रकाशानंद सरस्वती थे जो बनारस के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। उनके कितने डिसाइपल्स थे? 60,000 सन्यासी डिसाइपल्स। कितने? 60,000 सन्यासी डिसाइपल थे पूरे भारत भर में। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि ही वॉज नॉट ए सिंपल पर्सन, राइट। और वो महाप्रभु को क्या कह रहे हैं? भाव के रख है ना, के ना करो व्यवहार। आप ये भावुकों की तरह से व्यवहार क्या करते हो? आप सन्यासी हो, सांप्रदायिक सन्यासी हो, भारतीय संप्रदाय में सन्यास लिया हुआ है, और ये हाथ उठा करके क्या सड़क पे गाते रहते हो? हरे कृष्ण, क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन करो, हम लोगों का संग करो। हम लोग शास्त्र पढ़ने वाले प्रकांड पंडित लोग हैं, हमारा संग करो, हमारे संग का लाभ लो, अपने आप को इंप्रूव करो। तो महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा कि देखो, मेरे गुरु महाराज ने देखिया, हाँ मेरे गुरु महाराज ने देखा कि मैं बड़ा मूर्ख आदमी हूँ। हाँ, मूर्ख देखिया मोरे करिला शास्त्र में, मुझे मूर्ख देख करके उन्होंने क्या किया? मुझे इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? उन्होंने कहा कि तुम जो है बड़ा मूर्ख आदमी है, तुमको शास्त्र वास्त्र समझ में नहीं आएगा पढ़ने से, वो टाइम वेस्टर है, तो इसलिए क्या करो, तुम केवल हरिनाम जपो। तो फिर मैं हरिनाम जपता हूँ और जपने लगता हूँ तो आँखों से आंसू बहने लगता है और गला रुद्ध हो जाता है और मन अपने आप नाचने को करता है ना? आप लोगों का मन करता है कि नहीं नाचने का? गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे।
नाचने का मन किया, ये प्रभुपाद का ट्यून है, नाचने का मन किया कि नहीं किया? हाँ, तो महाप्रभु ने भी यही कहा, मुझे नाचने का मन किया करता है, मैं नाचता हूँ, फिर मैं क्या करूँ? और मुझे नाचता हुआ देख करके कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं किसी को भगाऊं, है ना? मुझे नाचते हुए देख करके, गाते हुए देख करके कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो हम सब मिल के गाते पीते हैं, है ना? तो उन्होंने सोचा कि, पर मैंने सोचा कि शायद ये मंत्र जप के मेरे को पागलपन आ जाता है, ये मंत्र में कुछ तो गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के पास गया वापस, और जाकर के गुरु को पूछा कि वह मंत्र दीला गोसाई की बता रहा बोल, जपीते जपीते मंत्र कराए पागल, अरे आपने मेरे को कौन सा मंत्र दिया है? हाँ, कीवा मंत्र दीला गोसाई, कौन सा मंत्र दिया है, इसकी शक्ति क्या है? कीवा तारा बोल, इसकी शक्ति क्या है? जैसे ही मैं इसको जपना शुरू करता हूँ मैं पागल बन जाता हूँ, जपीते जपीते मंत्र कराए पागल, तुरंत पागल हो जाता हूँ और मेरा व्यवहार पागलों की तरह से हो जाता है। तो क्या करूँ, ये मंत्र जपू कि नहीं जपू? मेरे गुरु ने बोला यू आर ऑन परफेक्ट पास्ट, है ना, तुम एकदम परफेक्ट लाइन पे हो, सही मार्ग पे हो, ये मंत्र जपने से यही प्रभाव होना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुंडे तांडव नी वितुनते, तुंडे तांडव नी रतिम वितुनते, तुंडावली लधये, कर्ण क्रोण कडंबिनी गड़यते, कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां प्रीति, नो जाने जनिता कियत् भिरमृत कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कृष्ण नामक दो अक्षर में, दो वर्ण में पता नहीं कितनी ताकत है, क्या जादू है। हाँ, कि जब मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि दो कान साफ काफी नहीं है, कर्ण अर्बुदे भिया, कितने कान चाहिए? अर्बुद, अर्बुद मतलब होता है करोड़, और करोड़ से भी ज्यादा होता है, कोटि माने करोड़ होता है, अरबुद क्या होता है? अरब। हाँ, मुझे कई अरब कान चाहिए। अभी आप सोचो किसी बॉडी में अरबों कान होंगे तो कैसा दिखेगा, है ना? पर वो ये एक्सप्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन करने मात्र से वो ये बताना चाहते हैं कि हरि नाम का शक्ति क्या है, पावर क्या है, और उस हरि नाम को आस्वादन करने के लिए इतने कान भी इनफ नहीं है। कर्ण अर्बुदेभ्य, हाँ, और तुंडे तांडविनी, जब यह हरि नाम जो है मेरे जीवा पे, मुख में जीवा पे डांस करता है, हाँ, जब हम हरि नाम लेते हैं तो क्या करता है, जीवा पे डांस करता है। जब जीवा पे डांस करता है तो ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, हरि नाम को डांस करने के लिए ये जीवा का ये जो प्लेटफॉर्म है 2 इंच का, ये ठीक नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो जीवा को अभी तक सेटिस्फाई कर पाए? पूरा जन्म क्या, कई जन्म बीत जाएंगे फिर भी हम जीवा को, ये 2 अंगुल का चमड़ी जो है ना, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट? लेकिन रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जब इस पर हरि नाम डांस करता है तो ये प्लेटफॉर्म छोटा हो जाता है। कारण, कान तो इतने चाहिए, क्या बोलते हैं, जो टंग है उसका लाइन से हजारों टंग चाहिए, हजारों जीवा चाहिए, तब मैं ये कृष्ण नाम जो है 2 अक्षर इसको आस्वादन कर सकता हूँ। ये जब महाप्रभु, ये रूप गोस्वामी जी ये लिख रहे थे तो ये उन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव 2 ड्रामा लिख रहे थे ना, जब तो उसका जब पांडुलिपि बना रहे थे, यानी उसका जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, क्या बोलते हैं, जो रफ कॉपी लिख रहे थे, हाँ, उसको पांडुलिपि बोलते हैं, हाथ से लिख लिख करके रखे जा रहे थे। तो जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने उसको क्या किया था, लिख करके और एक खटिया था उसी के ऊपर ऐसे रखते जा रहे थे, क्योंकि वो ताम्रपत्र पे लिखते, ताम्रपत्र नहीं या भोजपत्र होता है ना, तो स्याही से तो सूखने के लिए उसको थोड़ा फैला फैला के भी लिख रहे थे। वो महाप्रभु जी समुंदर से स्नान करके आए, समुंदर से स्नान करके आए, देखा कि रूप गोस्वामी जी बैठ के लिख रहे हैं, हाँ, जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के घर के पास, सिद्ध बकुल के पास,
तो उन्होंने वहाँ से सिद्ध बकुल नहीं यहाँ का गंभीरा में, तो उन्होंने उस पे से एक पांडुलिपि का एक पत्ता उठा लिया और पूछा उनको कि पोथी लिखा, कौन सी पोथी लिख रहे हो दिखाओ। हाँ ऐसे बोल करके उन्होंने एक पेज उठा लिया और पेज उठा करके वो पढ़ने लगे और उसमें उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे। तब महाप्रभु जो है वो डांस करने लगे वहीं पे और बोलने लगे कि हरि नाम का इससे बेस्ट ग्लोरिफिकेशन और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस किसी से भी महाप्रभु मिलते थे, महाप्रभु साक्षात भगवान है, जिस किसी से भी मिलते थे सबको बोलते थे तुमको मालूम है रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते, इतना बढ़िया ग्लोरिफिकेशन हरि नाम का और कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़कर के हरि नाम। यानी उन्होंने सिर्फ ये एक रचना मात्र से महाप्रभु को इतना प्रसन्न कर दिया। और महाप्रभु क्यों प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के जो ये भूमिका है उस भूमिका में महाप्रभु की पूरी लीला लिख डाले हैं, है ना। क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि भागवत अगर समझना है, भागवत रस का आस्वादन करना है तो महाप्रभु की कृपा चाहिए, इसलिए मैं इतना पॉइंट इस पर फोकस कर रहा हूँ, राइट। और महाप्रभु की कृपा कब मिलेगी, कोई भी व्यक्ति जब हरि नाम जपेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।